स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। इसमें हम पढ़ेंगे हमें पार्लियामेंट हाउस की क्यों जरूरत है, लोग किस प्रकार रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, गवर्नमेंट कैसे बनती है, ऊपर पार्लियामेंट हाउस का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। ओके, हियर इज द पिक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ओके, इट इज इन दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट है, इसे हम हिंदी में लोकसभा कहते हैं और ये दिल्ली में स्थित है। तो हमारे द्वारा जो चुने हुए नेता या रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे बिहाफ में यहीं पर सीट बैठते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके, अब मेन व्हाट डज द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो जो हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है वो क्या, उसमें क्या कंसिस्ट है। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट हाउस है वो कंसिस्ट है द प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। तो जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट होता है जो हेड है, राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं ये परमानेंट हाउस है, इसके जो मेंबर है 6 साल के लिए इलेक्टेड रहते हैं, पर ये लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट होते, ये किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, ये होते हैं लोकसभा, मतलब पार्लियामेंट हाउस द्वारा इलेक्ट होते हैं। ये लोकसभा है जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, लोकसभा को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ के जो मेंबर है वो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, इसे लोअर हाउस कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स वी सी द डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा। फर्स्ट वी गो विद द लोकसभा। लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पीपल, तो इसे हम लोअर हाउस कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, इसमें लोकसभा में कम से कम 552 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। 530 मेंबर्स फॉर द स्टेट्स, 220 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। तो 530 मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट, तो आउट ऑफ 552 में से 530 जो है रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग स्टेट से इलेक्ट होके यहाँ आते हैं। उसमें 20 मेंबर्स जो है यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं। यूनियन टेरिटरीज़ आपको मालूम है हमारे भारत में दमन दीव, दादर नगर हवेली, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज़ है। तो 2 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कॉमनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो 2 मेंबर्स है वो एंग्लो इंडियन होते हैं जिसे हमारे देश के प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ द मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर्स, और जो मेंबर है वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। अपर हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट, तो इसे अपर हाउस कहते हैं और ये परमानेंट हाउस है, और इसमें मैक्सिमम 250 सीट्स होती है। 238 सीट्स ए सेलेक्टेड बाय द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें 238 जो है अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते जो लोअर हाउस के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और 12 जो है यूनियन टेरिटरीज से होते हैं, और कुछ प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। द मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द 6 ईयर, जो इसके मेंबर्स हैं वो 6 साल 6 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं। ओके, नाउ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पार्लियामेंट का रोल क्या है, ठीक है। अब हमारी इसका टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, तो पहला है सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, जो हमारे देश को एक अच्छी सरकार या देश के बारे में अच्छा डिसीजन ले उस प्रकार की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। टू कंट्रोल गाइड एंड इंफॉर्म द गवर्नमेंट, तो ये जो पार्लियामेंट हाउस है वो हमारे देश के रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में रखती है, उसे अपने पावर का मिसयूज करने नहीं देती। ओके, नाउ लॉ मेकिंग, जितने भी लॉ मेकिंग है यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड है, तो इस पे जो भी लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट हाउस में, ठीक है, इसलिए वहीं पे लॉ बनता है। और लॉ मेकिंग, तो जो भी लॉ है हमारे देश से संबंधित कानून वो यहीं पे बनाया जाता है, कहाँ पे, पार्लियामेंट हाउस में। और डिटेल में बात करते हैं, फर्स्ट जो हमने आपको बताया था टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट हाउस का काम है नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना, एक देश को एक अच्छी सरकार देना। और पार्लियामेंट कंसिस्ट आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन लिस्ट पीरियड 543 प्लस 2 इलेक्टेड मेंबर, 272 मेंबर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है उसमें इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको 1/3 सीट होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे यहाँ 552 सीट्स है, तो उसमें से आप 1/3 कर लीजिए। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 543 प्लस 2, तो कितना होता है
545, तो उसमें आपको कितने मेंबर्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए लोकसभा में, 272 टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब एक अच्छी सरकार बनाने के लिए। अपोजिशन पार्टी सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर द लीडर रूलिंग पार्टी सेलेक्ट द मिनिस्टर्स गिवन द चार्ज एजुकेशन हेल्थ फाइनेंस। तो जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, जब जो पार्टी सबसे ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर लेके आती है उसे गवर्नमेंट बनाने का इनविटेशन मिलता है, और गवर्नमेंट बनने के बाद जो लीडर्स है सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के जीत के आते हैं वो क्या करते हैं, अपना नेता चुनते हैं, अपना लीडर चुनते हैं पार्लियामेंट हाउस में, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। नाउ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ अथॉरिटी टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अपने नीचे बहुत से मिनिस्टर अपॉइंट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म कर लेता है तो वो उन मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट देता है, किसी को एजुकेशन, फाइनेंस, इस प्रकार से। जैसे आपके स्कूल में आपको अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स मिलते हैं मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पे मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार। ना कोलाइशन गवर्नमेंट, राज्यसभा अ बिल रिक्वायर्ड टू पास बिकेम अ लॉ, इम्पॉर्टेंट रोल रिव्यूइंग अल्टरिंग द लॉ। तो कभी कभार जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत, मतलब कि अगर पूरा रिप्रेजेंटेटिव जीत के नहीं आते, कुछ सीटें कम पड़ जाती है, तो वो क्या करती, किसी अन्य पार्टी, किसी और पार्टी की मदद लेती। जैसे सपोज अगर हम अभी बात करते हैं महाराष्ट्र में, अभी आपका विधानसभा चुनाव हुआ था जहाँ पे शिवसेना को 66 सीटें मिली, पर उसे गवर्नमेंट बनाने की कुछ सीटें कम पड़ी, तो उसने क्या किया, उसने NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर उसने गवर्नमेंट बना के गवर्नमेंट बनाया। तो उसे हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब कि किसी दूसरे पार्टी के साथ या किसी दूसरे पार्टी की मदद कर के द्वारा अपनी गवर्नमेंट बनाना। पर इसमें भी ये कंडीशन है कि जो पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है उसके पास इन दोनों पार्टियों से सबसे ज़्यादा जीते हुए मेंबर होने चाहिए। राज्यसभा, अब देखिए जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह में पास होना जरूरी है, ओके। और दोनों में सिग्नेचर होने के बाद किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वो एक लॉ बनता है, इतना याद रखिएगा। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं पार्लियामेंट हाउस की, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इसमें क्या है, जनरली द फर्स्ट आवर ऑफ द सीटिंग ऑफ द लोकसभा इज डिवोटेड टू द क्वेश्चन एंड दैट आवर इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर। तो जब लोकसभा की कार्यवाही, जिसे हम क्या कहना चाहिए, उसका वर्किंग सेशन शुरू होता है, तो पहले का जो फर्स्ट आवर रहता है उसमें अपोजिशन पार्टी द्वारा, रूलिंग पार्टी मतलब गवर्नमेंट बनाई द्वारा पार्टी, क्वेश्चन की जाती है। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं कि आप अभी तक के देश के लिए क्या किए, आपके पास इतना बजट है तो कहाँ आपने खर्च किया, इस प्रकार। MPs ऑफ द पार्लियामेंट आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन टू द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो हमारे अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर है, अपोजिशन पार्टी मतलब जो गवर्नमेंट नहीं बना पाती उसे हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, तो वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन कर सकती है, ओके। ही इज फ्री, अपोजिशन पार्टी प्ले अ रोल हेल्दी फंक्शनिंग हाईलाइट्स द ड्रॉबैक्स पॉलिसी प्रोग्राम। तो अपोजिशन पार्टी का क्या रोल है, वो भी एक महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, ये मत सोचिए कि रूलिंग में नहीं है तो उसकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, इट हैज़ इम्पॉर्टेंट। ही कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल करके रखती है, वो उसे मिसयूज नहीं करने देती, उसे क्वेश्चन आस्क करके या उसके एजेंडे को गलत बताकर या फिर उसके द्वारा कोई भी ऐसा डिसीजन जो जनता के लिए या देश की भलाई के लिए ना हो उसको अपोज करती है, और इससे जो रूलिंग पार्टी है उसको एक प्रकार से कंट्रोल में रहती है। गवर्नमेंट गेट्स द वैल्यूएबल फीडबैक, दिस वे द पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इस प्रकार से जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है वो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखती है। अब हम बात करते हैं लॉ मेकिंग, फर्स्ट रीडिंग इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड रीडिंग डिस्कशन स्टेज, थर्ड रीडिंग वोटिंग स्टेज, प्रेसिडेंट असिस्ट। तो जो पहला, जब कोई भी बिल जिसे हम वो लॉ बनने से पहले क्या होता है उसका एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, वो किसके बारे में है, क्यों है, उसके क्या फ़ायदे हैं, फिर सेकंड इसमें उसके ऊपर चर्चा की जाती है कि अगर हम ये बिल लाए
या कुछ ऐसा लॉ बनाए तो उससे देश को क्या फायदा होगा, लोगों को क्या नुकसान होगा, इस प्रकार की उस पर बहुत दिनों तक के डिसीजन या डिस्कशन होता है। थर्ड रीडिंग वोटिंग, उसके बाद जब ये सब इंट्रोडक्शन और डिस्कशन होता है तो उस पर वोटिंग की जाती है कि क्या ये वाकई में इम्प्लीमेंट करने लायक है कि नहीं है। और अगर वोटिंग में अगर ये पास हो जाता है पार्लियामेंट हाउस में, तो सेम प्रोसेस होता है आपका राज्यसभा में, वही होगा, इंट्रोडक्शन होगा, उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, अगेन वोट होगा, और अगर वहाँ से भी ये दोनों हाउसेस से अगर ये पास हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, तो इसे प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए भेज दिया जाता है। और अगर जब उस पर प्रेसिडेंट साइन करता है तो ये एक लॉ का रूप ले लेता है। फॉर टुडे इट्स ओके, वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास।